अज जिस मसले से तुहानू तकलीफ दिती है जिस महामारी चो आपां सारे गुजर रहे हैं समाज से भी जथेबंदियां सियासी पार्टियां NGOs यूथ क्लब पिंडां दे लोग इकट्ठे होकर आप सारे कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी नू मात देके ते लोकां नू इस संकट चो किवें पंजाब के लोगों को कढ़िया जा सकता जिहड़ियां जिम्मेवारियां सरकारां दियां होनियां चाहीदियां इस गल का दुख भी है ते किते ना किते तसली भी है कि अज समाज सेवी जथेबंदियां ने यूथ क्लबां ने NGOs ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गियां जथेबंदियां ने आपके मोढ़ियां ते लिखियां सरकारां केंद्र ते पंजाब दियां दोनों फेल होईयां पर लोकां दा जिहड़ा एक है ते लोकां दी लड़न दी शक्ति उभर के अगे आई है। अज जे मैं पंजाब दी गल करां आपां सारे बड़े लंबे समय तो देख रहे हैं पंजाब दा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार ने बिल्कुल फेल करता है ना बैड अवेलेबल है ना ऑक्सीजन अवेलेबल है ना दवाइयां अवेलेबल है वेंटीलेटर का हाल जिहड़ा कुछ होया आपां देखिया ही है बारी बारी वो गल्लां मैं रिपीट नहीं करूँगा। एक गल बड़े दुख नाल कहनी पै रही है कि पंजाब दे विच डेथ रेट जिन्हों आपां केस फिटेलिटी रेशो कहने हैं अज हिंदुस्तान के मुकाबले 2.5 गुणा तो भी वध है। बड़ा दुख है ये पंजाब के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ते एक बड़ी करारी चपेड़ है कि पंजाब के लोगों ने बड़ी वड्डी गिणती विच आपदे परिवारां दे जी गवाए है। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग हाथ धोना ये सारिया एक टैंपररी इलाज है इस बीमारी का जिदे नाल बीमारी नूं तुसीं पोस्टपोन कर सकते हो पर इहनू खत्म नहीं कर सकते। सरकारां वल्लों लॉकडाउन भी लाए गए पर वो लोकां दे कारोबारां नूं खत्म करता लोकां दी कमाई दे साधन नूं खत्म करता। फिर इहदा इलाज की है इस बीमारी का इक्को एक इलाज है वैक्सीनेशन। अज तुसीं वेखो जिन्हां मुल्कां ने वैक्सीनेशन करती अज वो मुल्क मास्क फ्री हो गए है। अमरीका वर्गे मुल्क देख लो तुसीं मास्क फ्री हो गए है इंग्लैंड वर्गे मुल्क सारे खुल गए है। जिहड़े जिहड़े मुल्कां ने 50% तो उपर वैक्सीनेशन करती उन्होंने मुल्क आपदे खोलते ये गल सारे जानते हैं तो मैं देखता भी रहा है। तो कांग्रेस के वाइस प्रधान राहुल गांधी जी भी इस गल नूं बड़ी स्पष्टता नाल आपदे ट्विटर ते आपदियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां च भी कहते रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज द की टू कंट्रोलिंग पैंडमिक बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजेंट सीम टू केयर। केंद्र ते सरकार दे कई फेलियर होए है कि वह आपदियां इलेक्शनां च रुझान उधर रखिया लोकां दियां जानां बचाउण वल नूं ध्यान नहीं सी। पर मैं राहुल गांधी नूं एक सवाल यह भी जरूर पूछना चाहूँगा इहदे नाल कि सरकार केंद्र की जिम्मेवार है इहदे च कोई दो राव नहीं सारे असी कह रहे हैं तुसी भी ट्वीट किया तो केवल केंद्र सरकार ते करके छड़ता तो जिहड़ियां सूबियां च कांग्रेस दियां सरकारां है जिवें पंजाब की मैं तो पंजाब की गल करनी चाहुंदा तो पंजाब की सरकार नूं इह गल कहनी क्यों भुल गए कि वैक्सीनेशन इज द की टू कंट्रोलिंग दिस पैंडमिक। अज पंजाब च हिंदुस्तान के मुकाबले वैक्सीनेशन घट हो रही है हिंदुस्तान च 3% वैक्सीनेट होए हैं पंजाब च केवल 2% के नेड़े वैक्सीनेशन है। इहदा भाव की है कि 98% लोग उह जे है जिहड़े करोना के ग्रोथ वास्ते बैठे सरकारां ने छड्डते करोना के ग्रोथ वास्ते 98% लोगों को करोना होके तो अगे फैल सकता है ये सरकारां दीआं नाकामियां रही हैं। केवल 2% लोग वैक्सीनेट हुए है तो जदों वैक्सीनेशन वध तो वध करन दी लोड़ सी कि सरकार वैक्सीनेशन कितों भी मुहैया करावे कितों भी खरीदे सरकारां कोले साधनां दी कमी है जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कर सकती है दरबार साहब के नाल वैक्सीनेशन सेंटर खोलता कल तख्त साहब तलवंडी साहबो दमदमा साहब से भी वैक्सीनेशन शुरू की है
ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर सकती है। मेरा इक्को सवाल है, मैं सियासत नहीं इस मसले से करनी चाहता, पंजाब का एक नागरिक होने के नाते पूछना चाहना, पंजाब सरकार फिर यह काम क्यों नहीं कर सकती? पंजाब सरकार इस काम के अणगहली क्रिमिनल कल्पेबिलिटी क्यों कर रही है कि आपके लोगों मरण वास्ते छड़ रही है? तुसी देखो पंजाब सरकार नू वैक्सीनेशन 1 लाख वैक्सीनेशन पंजाब सरकार को लाया 1 लाख डोजेस, खबरां लगियां पिछले दिन ही अखबारों च, पंजाब सरकार ने की किया 400 रुपया नू डोज मिलती है सूबे की सरकार नू, कोई सरकार ले लवे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक एक संस्था है, उन्होंने 1000 रुपये नू मिलती है, सूबे दियां सरकारां नू 400 रुपये नू वैक्सीनेशन की डोज मिलती है, तो अगे उन्होंने आपके लोगों नू मुफ्त चलानी है। सारिया सूबे दियां सरकारां ये काम कर रही हैं, पर पंजाब की सरकार ने की किया 400 रुपये की डोज खरीदी 1060 रुपये की का प्राइवेट हस्पतालों नू बेचती, लोगों नू नहीं लाई, मुहैया नहीं कराई। खबरां अखबारां च की लवाउंदे आ, आ अजीत अखबार की खबर है 28 मई की, मैं पढ़ के थोनू दो लाइना दस दिना। सेहत विभाग तो मिली जानकारी अनुसार राज च कोविड वैक्सीन का पूरा स्टाक खत्म हो चुका है, तो शुक्रवार को किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर च लोगों नू एक भी टीका नहीं लगाया जा सकया। सेहत विभाग के मुख सकत्र हुसन लाल ने इसकी पुष्टि करदिया दसिया कि पंजाब विच कोविड टीकाकरण मुहिम पूरी तरह रुक गई है, राज कोल हुण कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब नू वैक्सीन नहीं भेजी, तो असलियत की है कि जिहड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार कोल आई सी, पंजाब सरकार ने व्यापार किया, उहदा लोगों दीआं जानां ते खिलवाड़ करके 400 की खरीद के प्राइवेट हस्पतालों नू 1000 की बेचती, उन्होंने गां 1560 रुपये नू वो डोज लाई। ये जिहड़ा 1100-1200 रुपये का मार्जिन विच रखिया गया वह किदे विच किस रेशो च वंडिया गया, प्राइवेट हस्पतालों ने किन्ने कमाए, मुख्यमंत्री कोल किन्ने गए, सेहत मंत्री कोल किन्ने गए, इहदी जांच होनी चाहीदी। जे एक टीके मगर 1200 रुपये का मार्जिन रख लिया तो 1 लाख डोज इन्होंने वेची है, तुसीं आप अंदाजा ला सकते हो कि किस हद तक इहदे च करप्शन, लोगों की जाना नाल खिलवाड़, तो गरीबों की जान की कोई कीमत सरकार ने नहीं समझी कि गरीब तो 1560 का कितों लवाऊगा जाके, 1560 की एक डोज है, जे 5 जी है परिवार के, तो जे दोनों डोजा लवाउणियां तो 1650 रुपये च एक परिवार को डोजा लगनगियां, जिहड़ियां मुफ्त च लगनिया चाहीदियां। कौन जिम्मेवार है इस गल का? आ सरकार दियां चिट्ठियां मेरे कोले, 20 मई नूं सरकार चिट्ठी कढ़दी है कि वैक्सीन वेच के प्राइवेट हस्पतालों नूं दित्ती जावे ते इस खाते दे विच पैसे जमा कराए जाण, इहदी कापी मुख्यमंत्री साहब नूं भेजी जाती है जानकारी हित। अडिशनल सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ अमित कुमार IAS दे साइन है, मुख्यमंत्री साहब जिम्मेवार नहीं। ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑल ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स नूं भी भेजी जाती है कि कैबिनेट मिनिस्टर साहब जिम्मेवार नहीं इस गल दे। इस चिट्ठी कढ़न तो बाद दूजी चिट्ठी कढ़ी जाती है डायरेक्टर हैल्थ वालों सारे सिविल सर्जनज नूं पंजाब जाण, आ मेरे कोल चिट्ठी की कॉपी है जिहदे चों लिखदे है 29/5 नूं कढ़दे, As you are aware, the third phase of COVID vaccination has started from 1st May 2021 and vaccination is to be given to age group of 18 to 44 saal. The state has procured COVID vaccine. Vaccine aa gaya state kole for the beneficiaries of 18 to 44 years age group. You will ensure availability of vaccine to private hospitals फॉर कवरेज इन द स्टेट। लिखते की है डायरेक्टर हैल्थ कि वैक्सीन स्टेट को ले आ चुके है, स्टेट ने खरीद रहा है, तुसी इंश्योर करो कि यह वैक्सीन प्राइवेट हस्पतालों को ले चले जाए, सरकारी हस्पतालों चलाने की लोड़ नहीं। ये चिट्ठी लिखी जाती है
डायरेक्टर हेल्थ वालों सिविल सर्जन ते एक दिन दे विच ही उस लख डोज चो 42,000 डोज मैक्स ते फोर्टिस नूं वेच दित्ती जांदी है ते ओ ट्वीट करदी है पंजाब दी मुख सकत्तर साहब। आ मुख सकत्तर साहब दा ट्वीट है कि मैक्स मोहाली एंड फोर्टिस मोहाली हैव प्रोक्योर्ड वैक्सीन एंड हैव बिगन वैक्सीनेटिंग 18 to 44 ईयर्स इन पंजाब। प्लीज रजिस्टर ऑन कोविन पोर्टल एंड बुक अ स्लॉट एट दीज हॉस्पिटल। मैं एक सवाल पूछना चाहना, एक कदों तो पंजाब दी मुख सकत्तर प्राइवेट हस्पतालां दी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करदा? जितों तक मेरी जानकारी है, जिन्ना मैं पढ़िया है, पंजाब दी मुख सकत्तर या किसी भी सूबे दी मुख सकत्तर स्टेट दी सब तो उच्ची कुर्सी ते बैठी लोकां दी सेवक हुंदी है ब्यूरोक्रेसी। ए रोल रिवर्सल कदों तो होया, ए रोल कदों तो बदले गए कि मुख सकत्तर साहिबा प्राइवेट हॉस्पिटल्स दी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करन लग गए कि ए फोर्टिस ते मैक्स दो वड्डे हस्पतालां दा नाम लैके कि इन्हां कोले वैक्सीन पहुंच गया ते जाके आपदी 1560 च आपदा टीका लवा लिया। ये हालात पंजाब दी सरकार ने पंजाब दे लोकां दे बनाते, चाहे कल जदों रौला पै गया सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने यह इशू जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नैशनल मीडिया ने चुकिया, सारी नैशनल मीडिया कल सारा दिन इस ते चलती रही कि पंजाब सरकार पेंडेमिक चो प्रॉफिटियरिंग कर रही है, मुनाफा कमाउण दा काम कर रही है, मुनाफा खोरी कर रही है, सारा नैशनल मीडिया चल रहा सी। मैं एक सवाल हो रहा है मेरा, उस तो बाद फिर फैसला वापस इन्हां नूं लेना पिया जदों बादल साहब ने मुद्दा चुकिया। मैं एक सवाल थोड़े राही पंजाब दे लोकां नूं करना चाहुंदा, पंजाब दे लोकां ताईं पहुंचाउणा चाहुंदा। आपां सारे जाणदे हां कि दिल्ली च एक बड़ा वड्डा केस होया सी नवनीत कालड़ा दा, 524 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर उहदे रेस्टोरेंट है उत्थे दिल्ली च, नवनीत कालड़ा दे 524 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर उत्थों लभे सी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नूं, जेडे इन्हे 20,000 तो 25,000 नूं खरीद के ते 70,000 नूं बेच रहा सी। ते परचा दर्ज होया इहदे ते, जमानत हाईकोर्ट चों भी रिजेक्ट होई ते अज तक जेल च बैठा है। दफा की लाई कि इन्हे कुदरती आफत दे समय, पेंडेमिक दे समय प्रॉफिटियरिंग मुनाफाखोरी का काम किया है ते लोकां दी जानां नाल खिलवाड़ किया, अज तक अंदर बैठा है। मेरा सवाल है कि यही काम पंजाब सरकार ने किया? 400 रुपये नूं खरीद के टीका प्राइवेट हस्पतालां नूं 1060 नूं वेचता कि तुसी कहां 1560 नूं ला दिओ, ते मुनाफाखोरी तां फिर पंजाब सरकार ने भी की है। फिर पंजाब सरकार ते मुख्यमंत्री साहब ते या हेल्थ मिनिस्टर साहब ते फिर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? क्रिमिनल कंप्लेंट असी फाइल करांगे, कंप्लेंट देवांगे हेल्थ मिनिस्टर दे खिलाफ, पंजाब दी सरकार दे खिलाफ, कि जे दिल्ली च मुकदमा दर्ज हो सकता है ते अज ताईं उह बंदे नूं जमानत नहीं मिली ते फिर बलबीर सिद्धू जिम्मेवार है, कैप्टन साहब एक्शन क्यों नहीं लैंदे? कैप्टन साहब की चुप्पी कैप्टन साहब दे ते भी कई सवाल खड़े करदी है कि इह जिहड़ा समान जिहड़ा पैसा बलबीर सिद्धू कोल आया कि वह कैप्टन साहब को भी गया? फिर इस गल की स्पष्टता कर। देखो जिवें मैं पहला जिक्र किया सी कि इस महामारी दौरान जिथे सरकारां फेल हुई उत्थे प्राइवेट संस्थावां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बड़ा वड्डा रोल रहा है। चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 10 कोविड केयर सेंटर खोले, 2 कोविड केयर सेंटर श्रोमणी अकाली दल ने भी खोले, एक खरड़ खोलिया, एक फरीदकोट खोलिया, थोड़े सारयां दे सामने है। तकरीबन 35 हल्कियां च ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स दी ऑक्सीजन लंगर सेवा श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ने शुरू की। जेडे घरां च आपदे बंद है कोविड करके, सारे जी बाहर नहीं आ सकते, कमाई दे साधन मुक गए, तकरीबन 65 हल्कियां च लंगर दी सेवा उन्हां दी श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर कर रहे हैं। SGPC ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करती दरबार साहब ते तख्त श्री दमदमा साहब ते,
ऑक्सीजन प्लांट्स वास्ते मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहना हरसिमरत कौर बादल जी का, जिन्होंने सारा आपका एमपी लैड फंड 1.5 करोड़ रुपया तलवंडी साबो ते गोनियाना हस्पतालां नूं ते 1.43 करोड़ रुपया मानसा सिविल हॉस्पिटल नूं दिता है कि ऑक्सीजन की सेवा, ऑक्सीजन की जिहड़ी लोगों नूं मुहैया करवाउणी है, ऑक्सीजन पूरी करो ताकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कारण लोगों की जान ना जाए। असी कई NGOs कई NRIs का भी धन्यवाद करना चाहना मैं अज, जिन्होंने बड़ी वड्डी सेवा की। मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी विशेष तौर पर मनजिंदर सिंह सरसा जी जी का भी धन्यवाद करना चाहना है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ना केवल दिल्ली च पंजाब च भी जे किसी ने उन्होंने अप्रोच किया ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेज के, मानस की जात सब एक ही पहचान बो दे राह चलद्या पंजाब ते होर सूबे च भी मैं देखा उन्होंने ऑक्सीजन की सेवा मानवता की की, अज रेकग्निशन इंटरनेशनल लैवल पर उन्होंने हो रही है। सो मैं ये अज थोड़े राही लोगों को तथ रख रहा है कि NGOs की NRIs की SGPC की DGMC की एड्डी वड्डी सेवा श्रोमणी अकाली दल के वर्कर कर रहे हैं तो सरकार का फेलियर है। सरकार इस महामारी च लोगों दीआं जानां ते खेड के पैसा कमाउण दा गल कर रही है, खजाने च पैसे रख रहे हैं। मैं हैरान है, कल कहिंदे साडे खजाने च इन्ने आ गए 42,000 टीका सी 1,000 नूं वेचिआ, तुसीं ला लो किन्ना बन गया, पता नहीं किन्ने ही करोड़ां बन गया इन्हां दे खाते च आ गया, उह हुण सरकार ने खा जाणा। सो क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करांगे बलबीर सिद्धू ते, लॉन्च करांगे FIR दर्ज करन दे एप्लीकेशनां देवांगे, ते जे सरकार ने इहदे ते एक्शन ना लिता एक किला ऑर्डर वापस करके काम नहीं चलना, फिर इहदे ते धरने मजारे भी सारे सूबे च होणगे, इहदी रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करके एक्शन लेना सरकार नूं मजबूर कर देना। कोई सवाल जी? धन्यवाद थोड़ा सारयां दा।